जो 3 करोड़ हमारा राशि मिला है 3 करोड़ लिख दिया, 11 ब्लॉक यहाँ और 14 ब्लॉक यहाँ, जिसमें 60% कम से कम महिला लोग जीत कर आई है। शौच क्रिया के लिए बैठने उठने का बहुत देखे, ब्लॉक में घूमे तो बहुत तकलीफ था। उसी दिन हम सोच लिए को लगातनी समाचार बटुए बक्सर से रिपोर्टर बानी वरिष्ठ पत्रकार संजय उपाध्याय जी। MLC राधाचरण सेठ के भइल बक्सर में आगमन, कब्रिस्तान से लेके किसान पे भइल सवाल, भकुएने राधाचरण सेठ, खबर का बटुए करा के विस्तार से जानी। बक्सर में MLC राधाचरण सेठ के आगमन भइल, आगमन के मुख्य उद्देश्य रहे कि जनता दल यूनाइटेड के युवा जिलाध्यक्ष के घोषणा भइल रहे, जौना में रोहित ओझा के बनावल गइल रहे। इनका आग्रह पो MLC राधाचरण सेठ आइल रहन भोजपुरिया समाचार के पत्रकार संजय उपाध्याय जी, तमाम सवाल के बौछार कैनी भोजपुरिया समाचार, सब कुछ देखाई खबर के अंत तक देखब। बक्सर के कब्रिस्तान के बात हो खो, रामायण सर्किट के बात हो खो, चाहे किसान के खेत में पानी के बात हो खो, चाहे खाद के कालाबाजारी के बात हो खो, सब पे सवाल होई आ सब पे जवाब मिलल। रउरा सब खबर के अंत तक देखब कि राधाचरण सेठ MLC का जवाब देनी। रउरा सबके बता दी कि MLC के आगमन पे रोहित ओझा जौन युवा जिलाध्यक्ष बानी, भव्य स्वागत कैनी, फूलमाला से स्वागत कैनी। सर्किट हाउस बक्सर में ई कार्यक्रम के रखल गई रहे, जौना में सारा लोग उपस्थित भइल रहे, मौका पे पत्रकार के सवाल के रेला रहे, एक से बढ़ के एक सवाल भइल। यहाँ के बतैनी कि का है बक्सर जिला खातिर कोयले बानी आ का करे जा रहा बनी, रोरा खुद इनके मुँह से सुनी आ रोहित ओझा के बयान भी जरूर सुनब, दबा के शेयर करी। हम सलाह दिए हैं कि भाई पूरे बक्सर जिला को सब लोग साथ लेकर चलिए, पुराने हो नए हो, जो बन जाता है माने आप बने हैं, सब लोग को हमारा नेता का भी है कि सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास करना है, तो उसी सिद्धांत से हम लोग अपने नेता के आदर्श को मानकर विकास और सब लोग को मिलजुल कर लेकर बढ़ते हैं। किसानों को सुविधा देंगे, अभी तक नहर में खुदाई नहीं हुई, वहाँ तो हमारा ही क्वेश्चन पर आप किताब में देखिएगा, कम से कम 42 करोड़ का प्रोजेक्ट बना है, बहुत जगह टेंडर भी हो रहा है, काम भी लगा है, उसमें 40 मिनट क्वेश्चन चला था, उसमें हम लोग विपक्ष में थे, आदरणीय नेताजी स्वीकार किए नीतीश जी के नहीं ये आपका मांग सही है ये बनेगा, तो प्रोजेक्ट बना हुआ है 42 करोड़ का, तो धीरे धीरे जरूर विकास होगा, टेंडर भी हो रहा है। खेती का समय आएगा, किसानों को पानी मिलेगा, जरूर मिलेगा, है नहीं मिलेगा। अरे जो कार्यकर्ता जो जोश खरोश के साथ 2015 में जो लोग हमारे साथ काम किए थे, वो इसमें भी वही आदमी काम किए थे, उस समय भी जिताने के लिए सब लोग लगे थे, आज भी जिताने के लिए कमर कसे हुए थे, तब की महागठबंधन से उम्मीदवार थे तो 329 वोट से जीते थे, NDA के उम्मीदवार में 1043 वोट से हमने जीता, तो सब लोग का साथ मिला हमको, सबका विश्वास हम जीते, तब तक ना सब लोग हमारे साथ में लगे, विश्वास के साथ हम लोग को जिताए और उनके विश्वास पर हम खड़ा उतरेंगे। 6 साल आप लोग भी देखे हैं कि आज तक अपने फंड में खिली पान कोई खिलाया हो तब तो कहिए। अभी जीतने के बाद तुरंत 25 ब्लॉक भोजपुर और बक्सर में हमने जनप्रतिनिधि भवन दिए हैं, जो 3 करोड़ हमारा राशि मिला है 3 करोड़ लिख दिए, 11 ब्लॉक यहाँ और 14 ब्लॉक यहाँ, जिसमें 60% कम से कम महिला लोग जीत कर आई है। शौच क्रिया के लिए बैठने उठने का बहुत देखे, ब्लॉक में घूमे तो बहुत तकलीफ था। उसी दिन हम सोच लिए कि नहीं ये काम करना है, तो हमने जनप्रतिनिधि भवन में 2 शौचालय, एक जेंट्स के लिए, एक पुरुष के लिए, एक महिला के लिए, और एक बोरिंग और टंकी, जब भवन बनकर तैयार हो जाएगा तो फिर फर्नीचर के उसमें बैठने उठने की व्यवस्था हम कराएंगे। और भोजपुर जिला बक्सर जिला में 10 रोड का हमने मंत्री से मिलकर, अभियंता प्रमुख से मिलकर हमने दिए हैं 10 रोड यहाँ के लिए, 30 रोड भोजपुर के लिए, तो विकास जो दिए हैं इसका भी हमारे पास मैंने रिसीविंग है, तो विकास हम लोग तो सरकारें विकास कर रही हैं, NDA का जो सरकार चल रहा है उसमें विकास ही विकास
बक्सर आने का उद्देश्य क्या है? बक्सर का उद्देश्य अभी जदयू जुआ के अध्यक्ष रोहित ओझा जी बने हुए हैं, आने का मकसद यही है कि बने हुए फर्स्ट बार जीतने के बाद भी सर्किट हाउस में पहली बार हमने आया और आप लोगों से भी रूबर नहीं पहल हुआ। यही आदरणीय जो मंत्री अभी आए थे प्रमोद जी, पर्यटन मंत्री थे, तो रामायण सर्किट के नाम पर यहाँ 20 करोड़ रुपया मैंने सेक्शन हुआ है। हमने भी 17 करोड़ रुपया वीर कुंवर सिंह के नाम पर वहाँ पर एक बेलाउर छठ घाट मैंने बनाने के लिए करीब 10 करोड़ रुपया वहाँ भी सेक्शन हुआ है। 4.5 करोड़ जमुआओं में एक नाथ मंदिर है बाबा परमेश्वर नाथ जी का, विकास के लिए पर्यटन स्थल में हम लोग दिए हैं। कितना कम से कम अपने हम पैड पर 70 करोड़ मैंने सेक्शन कराए हुए हैं, तो आगे पीछे धीरे धीरे काम चल रहा है। बक्सर मुक्ति धाम साहब आते एक लौता है वो अपेक्षित जो मुक्ति धाम के लिए जो यहाँ का प्रशासन लोग भेजे हैं, शायद 2 जगह के लिए चिन्हित हुआ है। अभी भी 24 से हम लोग का विधान परिषद विधानसभा खुल रहा है, उसमें भी आदरणीय नेता को हम ध्यान आकर्षित कराएंगे इस विषय पर। हाथ को लेकर के किसानों को सुविधा मिलेगी कि पहले की तरह कालाबाजारी होता रहेगा, उसके लिए कुछ पहल? हमारे जिला अभी भोजपुर में तो अनुदान वाला जितना बीज बट रहा था उसमें भी सभी कृषि पदाधिकारी को हमने कहा कि नहीं, जो खाद में कालाबाजारी हो रहा है उसको यथाशीघ्र रोकने का आप लोग प्रयास किए कीजिए। और अमरेंद्र बाबू से 2 दिन पहले बात हुआ कि कम से कम शाहबाद को, माने आप यहाँ का मंत्री हैं तो कम से कम उचित मूल्य पर हाथ दिलाने का आप कृपा कीजिए। हमारे नेता का जो निर्देश है सबको एक साथ जोड़ करके चलने का, सबको एक साथ लेकर के चलने का प्रयास करेंगे और मुझे उम्मीद है कि हम अपने प्रयास पे सफल भी होंगे। आज MLC आपको आए हैं धन्यवाद देने के लिए, बधाई देने के लिए। माननीय विधान पार्षद महोदय के साथ हम लोग लगभग 10 वर्षों से जुड़े हुए हैं। विधान पार्षद महोदय ने चुनाव में, पूर्व के चुनाव में, इस चुनाव में हम लोग को परिश्रम देख करके ही उस पद के लिए हमको लायक समझ के माननीय प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी से कह के यहाँ के जिला अध्यक्ष बनाने का काम किया। धरातल पर इनके जो भी कार्य है वो उतारने में कितना? एकदम 100% सहयोग रहता है। पूर्व में भी 100% सहयोग रहा है, आगे भी 100% सहयोग रहेगा। जो भी पार्टी का निर्देश होगा उस निर्देश पे हम लोग 100% खरा उतरने का प्रयास करेंगे। जो भी पार्टी का निर्देश होगा, समस्या इन तक पहुँचाया जाएगा, एकदम बिल्कुल पहुँचाया जाएगा। पूर्व से भी हम लोग असेंबली क्वेश्चन जो भी हो, यहाँ शिक्षकों का वेतन भुगतान का मामला था तो उसका विधान परिषद में क्वेश्चन करा के 2016 में हम लोग दिलवाने का काम किए थे। अभी आपके विश्वविद्यालय में LLM की पढ़ाई नहीं होती है तो 16 तारीख वाला क्वेश्चन में हम लोग डलवा चुके हैं, जो कि व्यक्ति विशेष का समस्या नहीं पूरे शाहबाद का समस्या है। तो समस्या को भी हम लोग असेंबली क्वेश्चन में माननीय विधान पार्षद महोदय के माध्यम से डलवा चुके हैं। पार्टी में आपको किस तरह का जिम्मेदारी दी गई है? पार्टी में जुआ जदयू जिला अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई है और अध्यक्ष कोई बहुत बड़ा तिस्मार खान नहीं होता है। अध्यक्ष का मतलब होता है सबको एक साथ जोड़ करके चलना, और ना मैं कोई जंग जीत करके आया हूँ, मैं आपके बीच का रहने वाला हूँ। पूर्व से संगठन चलाया हूँ, पूर्व की कमेटी में भी मैं प्रदेश महासचिव था, छात्र राजद और जुआ राजद में भी मैं पदाधिकारी रह चुका हूँ, तो इसलिए संगठन के बारे में पुराना अनुभव है। जो जिम्मेवारी मिली है आप लोग को यकीन दिला देता हूँ कि उस पर 100% खरा उतरूंगा। आपका परिचय? रोहित कुमार ओझा, जिला अध्यक्ष जुआ जनता दल यू बक्सर।